गुजरात के बड़े पाटीदार नेताओं में शुमार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और ये खबर अब पुरानी हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल का सोनिया गांधी को लिखे खत का जो मजमून है उससे साफ है कि वह बीजेपी में जा सकते हैं। ये खबर भी अब पुरानी हो चुकी है। अब तो खबर कहिए या सवाल कहिए, और वो ये है कि क्या बीजेपी उस हार्दिक पटेल को अपने साथ लेकर आएगी जिस हार्दिक पटेल ने गुजरात में पूरी बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अकेले ही बड़ा मोर्चा खोल दिया था। क्या बीजेपी उस हार्दिक पटेल को अपनाएगी जिसने बड़ा पाटीदार आंदोलन खड़ा किया और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल तक को इस्तीफा देना पड़ा था? और क्या अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात में विजय रूपाणी सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके नितिन भाई पटेल जैसे बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जैसे युवा पाटीदार नेता को अपने साथ रखने में सहज महसूस करेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हार्दिक पटेल के साथ ही बीजेपी के आला कमान के सामने भी खड़े हैं। तो चलिए एक एक करके इनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो इस्तीफा भेजा है उसका दूसरा पैराग्राफ देखिए। जिन मुद्दों का हार्दिक पटेल ने जिक्र किया है वो सारे मुद्दे बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो या फिर सीएए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की बात हो। ये बीजेपी का हमेशा से कोर एजेंडा रहा है। हार्दिक पटेल ने इन मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध को गलत बताया है तो जाहिर है कि खुद हार्दिक पटेल इन मुद्दों के समर्थन में है और यही बात उन्हें बीजेपी के करीब लेकर जाती है। इसके अलावा हार्दिक पटेल पिछले कुछ महीने से बीजेपी नेतृत्व की तारीफ करते ही आ रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता बीएल संतोष से भी मुलाकात की है और पार्टी में हार्दिक को शामिल करवाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। तो लगभग मामला क्लियर है कि हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं। अब रही बात कि हार्दिक पटेल बीजेपी में जाएंगे तो पाएंगे क्या, क्योंकि हार्दिक पटेल की पूरी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ खड़े किए गए पाटीदार आंदोलन के इर्द गिर्द रही है। गुजरात में करीब 20-22% वोटर पाटीदार हैं। इन पाटीदारों को ओबीसी में शामिल करवाने की मांग को लेकर जुलाई 2015 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व हार्दिक पटेल ने ही किया था। पूरे आंदोलन के दौरान एक छोर पर हार्दिक पटेल खड़े थे और दूसरी छोर पर बीजेपी, क्योंकि केंद्र के साथ ही राज्य की सत्ता में भी वही थी। इस दौरान हार्दिक पटेल पर राजद्रोह से लेकर तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए थे। दंगे और आगजनी के मामले में तो हार्दिक को सजा भी हुई थी जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल तो नहीं हुए लेकिन कांग्रेस का खूब प्रचार किया, प्रसार किया। इससे पहले उनके चलाए पाटीदार आंदोलन, फिर हुए निकाय चुनाव और उनमें बीजेपी का खराब प्रदर्शन, और फिर ऊना से शुरू हुए दलित आंदोलन की वजह से आनंदीबेन पटेल को फेसबुक के जरिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा चुका था। बीजेपी भले ही 2017 का चुनाव जीतने में कामयाब रही लेकिन इस चुनाव को जीतने के दौरान बीजेपी को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसके लिए हार्दिक पटेल को भी जिम्मेदार ठहराया गया। चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तब के बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह और गुजरात बीजेपी के तमाम नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई थी। रही सही कसर 2019 में तब पूरी हो गई जब हार्दिक पटेल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि तब वो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि 2015 के केस में उन्हें निचली अदालत ने सजा सुना दी थी और तब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में हार्दिक पटेल की पूरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ ही रही जिसमें निशाना मोदी और शाह के अलावा विजय रूपाणी से लेकर नितिन पटेल और भूपेंद्र भाई पटेल जैसे नेता रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हार्दिक पटेल ने गियर शिफ्ट कर लिया था और उनका पूरा हमला कांग्रेस के नेताओं पर हो गया था। अपने हमलों में वो गांधी परिवार को तो बख्श दे रहे थे
लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेताओं को कोसने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्तीफे में भी उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये पूरी तरह से साफ कर दिया कि राहुल गांधी को लेकर उनकी मंशा क्या है। और अब हार्दिक कांग्रेस से अलग है, बीजेपी की नीतियों के समर्थक है, लेकिन क्या बीजेपी के नेता भूल जाएंगे कि हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन के दौरान क्या क्या कहा था और क्या क्या किया था। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने का फैसला एकदम ऊपर से हुआ है, लेकिन हार्दिक को काम तो गुजरात में ही करना है। तो क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में ही जो पाटीदारों के नेता हैं, चाहे वो अभी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हों या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उनके रहते हार्दिक को फ्री हैंड मिल पाएगा? क्योंकि हार्दिक कांग्रेस में भी शामिल हुए थे आला कमान के आदेश पर, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाए, या कहिए कि उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें तालमेल बिठाने ही नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि कभी मरते दम तक कांग्रेस में रहने का दंभ भरने वाले हार्दिक ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के साथ और उसमें भी उन्हीं के समाज से आने वाले भूपेंद्र भाई पटेल के मुख्यमंत्री रहते, हार्दिक गुजरात में बड़े पाटीदार नेता की छवि को बनाए रख पाएंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, ये तो बेहद मुश्किल काम है। बाकी तो एक और नाम है जिसे फिलवक्त गुजरात में पाटीदार समाज का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, वो नाम है नरेश पटेल का, जो खोडलधाम के मुख्य ट्रस्टी हैं। वाया प्रशांत किशोर कांग्रेस में उनकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बात नहीं बनी तो नरेश पटेल का भी लगभग तय हो गया कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। हालांकि अब भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन नरेश पटेल ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपनी पार्टी में शामिल करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। और अगर नरेश पटेल गुजरात की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो पाटीदार समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे और किसी भी प्रभावी पाटीदार नेता को ये बर्दाश्त नहीं होगा। शायद हार्दिक पटेल ने इसका इशारा भी कर दिया था, जिसे आप उनकी नाराजगी के तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 2017 में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को पाटीदार नेता के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया, 2022 में वो नरेश पटेल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और 2027 में कांग्रेस उनकी जगह किसी और को तलाश लेगी। हार्दिक पटेल को कांग्रेस में अपनी जगह की तलाश थी, लेकिन नरेश पटेल की एंट्री की सुगबुगाहट ने उन्हें भी परेशान किया। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि वो नरेश पटेल के हर फैसले के साथ हैं और नरेश अगर कांग्रेस में आते हैं तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बिना नरेश पटेल के किसी फैसले के हार्दिक ने अपना फैसला कर लिया और कांग्रेस से अलग हो गए। अब बीजेपी में आने के बाद उनकी जगह की तलाश पूरी हो पाएगी, ये कहना तो फिलहाल की परिस्थितियों में बेहद मुश्किल है। बाकी तो वह हार्दिक पटेल हैं, अपने तेवरों के लिए ख्यात हैं, उन्हीं तेवरों के लिए कुछ पार्टियों में कुख्यात भी हैं। वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं गुजरात चुनाव के मद्देनज़र, उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनगढ़।